जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस के शूटिंग लोकेशन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम हैं मरीन ड्राइव पे, जो कि मुंबई का एक बहुत ही फेमस एरिया है मरीन ड्राइव। यहाँ पे संडे को इतना भीड़ रहता है भाई, आप देख सकते हैं वहाँ यहाँ पे काम चल रहा है और वहाँ उस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज है संडे का दिन। तो आज आप लोग को लेके आए हैं मरीन ड्राइव पे वो जगह दिखाने के लिए जो कि आज आप लोग को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं 2022 के अंदर आई फिल्म लाइगर की शूटिंग लोकेशन, जिसमें विजय देवरा कोंडा और अनन्या पांडे नज़र आए थे। विजय तो देवरा कोंडा जो हैं साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और अनन्या पांडे जो हैं वो चक्की पांडे की लड़की हैं। तो आज आप लोग को लाइगर फिल्म की वो लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो इस ब्रिज के ऊपर शूट किया गया है। इस ब्रिज का सीन कुछ ऐसा होता है, विजय देवरा कोंडा को गुस्सा आता है और मतलब जो हीरोइन होते हैं उनसे ब्रेकअप होता है तो विजय देवरा कोंडा को गुस्सा आता है, वो एक हाकी लिए रहते हैं हाथ में और इस ब्रिज के ऊपर दौड़ के आते हैं और इधर से उनकी कार आती रहती है तो उनके कार के सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे फिर मतलब हकले शब्द में उनसे गुस्से में बात वगैरह करते हैं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो बोलती मैं कहाँ धोखा दी, तुम धोखा दिया, ऐसे कुछ बात वगैरह होता है, वो सब आप लोग को फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज आप लोग को इसकी लोकेशन दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस ब्रिज की इतनी खासियत है ना, यहाँ पे बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है, जितने भी बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार हैं या जो भी हैं इस ब्रिज के ऊपर या इस ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए किसी न किसी फिल्म में आप लोग ने देखा होगा। और सामने ये है समुंदर और उधर है गिरगांव चौपाटी और इधर सामने ये है प्लेग्राउंड और वहाँ सामने जो दिख रहा है वो है रेलवे स्टेशन। तो आप लोग कभी आना चाहेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन है और वहाँ से ये रास्ता आया है और ये ब्रिज है और ये ब्रिज का सीन दिखाया जाता है और ये जो घर है ना इस घर का भी सीन दिखाया जाता है फिल्म के अंदर। ये वो पुरानी ब्रिज है जिसको बहुत सारे फिल्मों में यूज़ किया गया है। दोस्तों फिल्म का जो है पहला सीन जो है कुछ यहाँ से दिखाया जाता है ऐसे करके, हालांकि वो ऊपर से कैमरा एंगल किया जाता है लेकिन एंगल जो होता है इसी साइड से होता है। तो ये जो ब्रिज दिख रहा है यहाँ से विजय देवरा कोंडा दौड़ते हुए आते हैं, हाथ में हाकी लिए रहते हैं और नाइट का सीन रहता है तो ये लाइट जो लगी है ना रोड पे ये लाइट चलती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। और इधर जो मरीन ड्राइव दिख रहा है एरिया समुंदर के किनारे का, इधर भी लाइटिंग रहती है तो बहुत अच्छा लगता है रात का यहाँ का नज़ारा। आप लोग स्क्रीन शॉट के अंदर देखेंगे यहाँ से विजय देवरा कोंडा दौड़ते हुए आते हैं, जिसमें ये जो बरगद का पेड़ है ना ये पेड़ भी आप लोग को दिखाई पड़ेगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। इधर से विजय देवरा कोंडा दौड़ते हुए आते हैं और इधर से जो है ना वो हीरोइन की कार आती है अपने भाई के साथ, इस कार में बैठ के आती है, लाल कलर की कार रहती है। तो कुछ इस साइड से सीन ऐसे दिखाया जाता है जिसमें ये पीछे जो बिल्डिंग है ना इसका भी थोड़ा थोड़ा सीन दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ से कार आते हुए दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए ये कबूतर खाना है, यहाँ पर लोग आके दाना वाना डालते हैं, बहुत सारे कबूतर है यहाँ पर ये देख सकते हैं और ये पेड़ है ना पूरा कबूतर से भरा पड़ा हुआ है। और उस पर देखिए यहाँ पे अगले सीन को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे जहाँ पे कार आ रही है यहाँ पे कार आती है और विजय देवरा कोंडा जो है वो कार के सामने जाके हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं, जिसमें आप लोग को इधर का तो सीन दिखाई पड़ेगा साथ में इधर का जो रोड है ना ये रोड का सीन दिखाई पड़ता है। उनका जो कैमरा है वो एंगल ऊपर से लिया जाता है इसलिए पूरा का पूरा सीन दिखाई पड़ता है और सामने जो पीछे की बिल्डिंग है ये बिल्डिंग आप लोग को दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे कार खड़ी होती है उनकी और कार के आगे विजय देवरा कोंडा हाथ फैलाए खड़े होते हैं ताकि उनकी कार जो है वो रुक जाए। तो कुछ सीन जो है इस तरीके से दिखाया जाता है, आप लोग स्क्रीन शॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। पीछे की जो बिल्डिंग है उसकी डिज़ाइन और उसके कांच वगैरह पूरा उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं और ये जो पेड़ है इसका भी सीन दिखाई पड़ जाएगा। एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें विजय देवरा कोंडा जब बोलते हैं तूने मुझे धोखा क्यों दिया, तो पीछे का सीन दिखाई पड़ेगा, पीछे का ये जो रोड चल रहा है ये रोड दिखाई पड़ेगा और ये ब्रिज का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई पड़ेगा। तभी उसके बाद इधर का सीन दिखाई पड़ता है, फिर हीरोइन बोलती है मैंने तुम्हें कब धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया, हीरोइन बोलती है मैंने तुम्हें धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया। तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ता है। तो हीरोइन बोलती है मैंने तुम्हें धोखा दिया कि तूने मुझे धोखा दिया, तुमने बताया नहीं कि तुम हकले हो। तो विजय देवरा कोंडा बोलते मैंने बताया नहीं था पब में कि, तो बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा हकला।
तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ेगा जिसमें आप लोग को ये पीछे का रोड दिखाई पड़ेगा। उसके बाद एक सीन को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे कार खड़ी होती है और विजय देवराकोंडा वहाँ खड़े होते हैं और हीरोइन पीछे खड़ी होती है, उसके सामने उनका भाई खड़ा होता है। तो कुछ इस प्रकार से सीन दिखाई पड़ता है जिसमें आप लोग को ये दोनों लाइट का पोल दिखाई पड़ेगा और पीछे काम चल रहा होता है, अभी भी काम चल रहा है, हालांकि काम जो है वो फाइनल पे है लेकिन काम चल ही रहा है अभी भी, और ये वाला लाइट का पोल दिखाई पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट के अंदर आप लोग मैच कर सकते हैं। एक सीन के अंदर जब हीरोइन जलील करके जाने लगती हैं तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ता है जिसमें आप लोग देखेंगे विजय देवराकोंडा वहाँ सामने खड़े होते हैं और कार इधर हमारे साइड को चली आती है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये जो लाइट का पोल दिख रहा है, ये लाइट का पोल देख सकते हैं और पीछे की बिल्डिंग देख सकते हैं और इधर का जो रोड चल रहा है ये रोड देख सकते हैं। हालांकि नाइट का सीन रहता है तो सब पूरा लाइट से जगमग रहता है। और उसके बाद जब कार जाता है ना तो कुछ इस साइड से सीन दिखाया जाता है जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ से कार जाते हुए दिखाई पड़ेगा और ये जो लाइट का पोल है, ये लाइट का पोल आप लोग को दिख जाएगा, ये जो बॉक्स टंगा हुआ है ये भी, और इधर के जो रोड दिख रहे हैं ये भी दिख जाएंगे और ये जो पेड़ है ये भी दिख जाएगा, यानी पूरा का पूरा सीन आप लोग को दिख जाएगा। तो कुछ यहीं से दिखाया जाता है लास्ट का जो सीन होता है, उसके बाद कार यहाँ से चली जाती है। दोस्तों लाइगर फिल्म की जितना भी सीन इस ब्रिज के ऊपर लिया गया था वो सारा सीन आप लोग को दिखा दिया, हालांकि यहाँ पे जितना भी सीन था वो नाइट का सीन होता है। नाइट में इसलिए शूट करते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है ना, ये देखिए, तो नाइट में कब शूट करते हैं वो 2-3 बजे शूट करते हैं जब एकदम बिल्कुल रास्ता बंद होता है और एक भी पब्लिक नहीं होती है, तब शूट करते हैं। जितना भी फिल्म की शूटिंग होती है ना ज़्यादा तक आप लोग देखेंगे ना नाइट का ही सीन होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ एरिया में वो लोग नाइट में ही शूट करते हैं ताकि पब्लिक जो रहे वो सो जाती है ना, तो रात में शूट करने में अच्छा रहता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।